बनता है और यह तैयारी पूरे जोर शोर पे बंगाल में चल रही उन जनहित की योजनाओं को धीरे धीरे क्रमशः लोगों के बीच में पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। 2022 में आपकी पार्टी किसके साथ मिलकर काम करेगी? देखिए, 2022 में किसके साथ हम मिलकर काम करेंगे, इस पर अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के तरफ से जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम आप लोगों को पुनः बुलाकर बताएंगे। फिलहाल हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और हमारा जो है फिलहाल जो चल रहा है संगठन विस्तार पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित है। तो उत्तर प्रदेश देश का एक पहला ऐसा प्रदेश है कि हर स्तर से देखा जाए तो कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की सुरक्षा से लेकर महिला की सुरक्षा से लेकर युवाओं के रोजगार पे हर तरह से विफल नज़र आने वाला प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। अभी हाल में ही हम लोग देख रहे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला प्रदेश का पोस्टर होर्डिंग तमाम जगहों पे लगवा रहे थे। यह क्या है? यह एक ऐसी दुर्भावना से ग्रसित सरकार है जो कि काम करने में पीछे और चर्चा करने में सबसे आगे है। किसान आंदोलन को पिछले 10 महीना से ऊपर हो गया रौदने का काम करने वाली सरकार अब जाकर किसानों को कुचलने का काम शुरू कर दिया। देखा जाए महिलाओं पे हाथरस से उठाकर देखिए, उससे पहले उन्नाव पर देखिए, या तमाम उन जगहों पर उठाकर देखिए, अभी आजमगढ़ का मामला देखिए कि तमाम देखिए, रोज़ कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ पेपर में चैनलों में आता है कि महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार दुराचार की वारदातें होती रही हैं, फिर भी हाथ पे हाथ रख कर यह सरकार बैठी हुई है। युवाओं के लिए रोजगार में सबसे फिसड्डी सरकार, GDP की बात करें तो सबसे फिसड्डी सरकार, फिर भी यह सरकार करना क्या चाहती है यह जनता को दिखाने के लिए ही आप लोगों को बुलाने का काम मैंने किया हुआ है। और आप लोग मीडिया बंधु तमाम उन चीज़ों को सरकार की जो नाकामियां हैं खामियां हैं जनता में भी पहुंचाने का आप काम करें, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है। तो मैं इनकी कमियों को उजागर करने का काम करूँगा और आप लोगों के बीच में ले जाने का काम करें। उर्की जो घटना है यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए किसानों को रोकने का काम करी है। यह किसान हितैषी सरकार है ही नहीं, सत्ता लोभी है। यह अजय मिश्रा टेनी जो कि कुछ दिन पहले अभी उसका वीडियो आता है कि किसानों के साथ अपराधी अपने बारे में बता रहा है और यह सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है और इसको रिश्तेदार की तरह खातिरदारी कर रही है, संबंध पे संबंध दे रही है, एक रिटायर्ड IPS को घर में से उठा कर ले जाती है आताताई सरकार और मंत्री को संरक्षण दे रही है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? किसान विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, सिर्फ ये सत्ता लोलुप सरकार है। इसको सत्ता की भागीदारी जैसे मिले वह काम करना चाहेगी। जब तक कोर्ट संज्ञान में नहीं लिया तब तक यह कोई कार्रवाई नहीं किए। उन्नाव कांड में देखिए, एक विधायक बाहुबली विधायक इसका इस सरकार का जो कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा तब जाकर गिरफ्तारी होती है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा किसानों के मामले में जो कि अजय मिश्रा टेनी का लड़का रोक दिया था तब जाकर, तो इसको क्या बोलेंगे? निठल्ला बोलिए इसको। उत्तर प्रदेश में 2022 में रही बात भाजपा सपा और तृणमूल, वास्तविकता जो है हकीकत यही है कि यह कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई अत्याचारी सरकार के लिए जनता चुनौती बन चुकी है। यह जनता चुनौती बन चुकी, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? यह तो आने वाले समय में मुद्दों की राजनीति होगी, अब उस समय देखा जाएगा कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। जनता निर्धारित करेगी कि हम कहाँ पाते हैं। तो अभी आप अपनी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जनता के लिए, वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो पूरे देश में अनजान नहीं है जनता के लिए, और तृणमूल कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनने जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। जैसे आपने देखा है कि अभी 4 महीना पहले बंगाल का चुनाव हुआ है, एक मुख्यमंत्री को चुनाव में पटकनी देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो कि तथाकथित भाजपा के नेता बने घूम रहे थे उनको कैसे वहां की जनता ने उनके जादू को फ्लॉप किया, तो यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए जनता अनजान है? जन जन के दिलों में ममता बनर्जी जी राज कर रही है।